देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हे प्रभु, अजब तेरी माया, जय हो। लाख कोशिश की फिर भी टिकानो ना छुड़वाया, जय हो। बाबा ऐसो है अम्मा, तुम प्रभु के काय दोष दे रही, उन्हें कछु न करने। अम्मा जो करने वो तुम्ही को करने और यही जन्म में बनने। मौलाल जी टेम मिलो है ज्ञान पेलने को है ना? ज्ञान ना पेल रही, जो सीखो है तुमसे ही सीखो है। आओ 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 जे बता, तू इसे का कर रहा हुआ है? लुगाई ने कमरे से बाहर निकाल दूंगा। ना ना, असल में अम्मा एक जरूरी काम है। सुनो, तना संदूक की चाबी दई। हमारे संदूक की चाबी की का जरूरत पड़ गई? जा जरूरत आन पड़ी। कितने हैंगे, कितने हैंगे? 1,00,000 रुपया है। तुम्हें वो लटुरिया याद है जो उनको केस चल रहा हो तो है? वो हमने कहा अम्मा जुगाड़ लगा के निपटवा दो, वो बदले में 1,00,000 रुपया की न्योछावर अलग से मिल गई। कैसी गई? मौलाद हम बता नहीं सकते, हमारी छाती तो गर्भ से फूल गई। ले पटाफट धर दे। अरे हपुआ, तब बाकी जो पैसे है ना उन्हें भी तेरा सहेज दाऊ है। अरे सब धरे दे रही। अम्मा जो बताओ, जो हम संदूक में ये मोटी मोटी गड्डियां ठूंस रही, भी खर्च कब करोगी? ना सुपीटे, खर्च कर देंगे तो खत्म ना हो जाएंगे। अच्छा, तो छाती पे साथ में ले जाओगी क्या रख के? कोई ऊपर ले जाने को इरादा ना है, तूने एक तो ना नौ नौ ठहिए की फौज पैदा कर दी है। सोच आगे उनकी पढ़ाई लिखाई में कितो खर्चो पड़ेगा। हाँ जा, बात तो तुमने सही कही अम्मा, पढ़ाई लिखाई में सारू बहुत पैसा लगता है, बहुत खर्चा है। तुम कितनो ध्यान रखती? अरे एक हम ही तो हैं इस घर में जो सबको ख्याल रखती है। तेरी लुगाई को तो सजने सबरने से फुर्सत ना है। ए, एक बात बता, तूने अपनी लुगाई को ना बता दो इन पैसन के बारे में? अरे ना ना, बता देती तो क्या तुम्हारे पास आने देती? पूरी की पूरी गड्डी खुद दबोच लेती। मौलाल, अरे भाई हम तो बस इमोशनल फूल हो गए। देखो ना, तूने साबित कर दो कि तू लुगाई को गुलाम ना है, वो अपनी अम्मा को खंड सेवक है। बस लाल ऐसी हमारी सेवा करता रहे और मेवाला के संदूक में धरता रहे। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो सब तुम्हारे आशीर्वाद आ जा रही है। खुश पियो पियो, ऐसी सेवा करता रही हो। जय जय माता लक्ष्मी, धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा होनहार सपूत दे दो। अरे यार काहे जो जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए।
बस अरे ठहर जाओ रंजू, ठहर जाओ रे दादा। तुमने तो यार हमें न जा न जाके पूरा जूसा निकाल दो हमाओ। हाँ गए हम अभी तुम न थकाओ नहीं तो शिकारी शिकार कैसे करेगू। शिकार करन के लाने सिर्फ ताकत ना चाहिए, नियत तो होनी चाहिए। आई बस ना, 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 ना। नियत तो हमारी भर भर के प्यार करन की है। हाँ। सिर्फ प्यार ही करे हो, अब बदमाशी ना करे हो। बुढ़ाए गए क्या? बुढ़ाए सारे हमारे दुश्मन, हम काहे को बुढ़ाए? अरे हम तो अब जवान है। अच्छा, और तभी तुम्हारी जवानी को उफान पे लाने के लाने इतो मूड बनाने पड़ते है। गोइया जवानी उफान। एक बात तो है लेकिन हमें जबात की बड़ी खुशी है कि जीवन में हमारी तुमसे मुलाकात भाई, तुमसे ब्याह भाव। हमारी बगिया में सारे पे नौ टंजा फूल के ला दे तुमने। ओ रंगत आ गई यार, जैसे हम दसवीं कली खिलान के लिए न कर रही हैं। हमें तो कुछ और चाहिए। देखो तुम्हें कुछ कमी ना लग रही है? हाँ दो चार जगह मच्छर ने काटो, बाकी का हम जो कह रहे हैं हमारे इतने सुंदर गर्दन में हाँ। कछु हीरे चांदी कुछ लटक ना रहो है तो अगर वो कछु ऐसा होए जाए। नहीं नहीं लटक तो रहो, देखो जो लटक रहो जैसे ज्यादा जरूरत नहीं है। काहे गर्दन तुम्हारी अपने आप में इतनी सुंदर है सुराहीदार कि बामे अगर ज्यादा कछु लाद देंगी ना तो ढक जाएगी गर्दन, फिर गर्दन की शोभा चली जाएगी ना। ऐसा है तो तुम इतने बैठ के अपने घर में शोभा बढ़ाओ, हम जा रहे हैं बधाई। अच्छा सुनो, मजाक कर रहे, हम समझ गए तुम का कहना चाह रही। सुनो एक महीना को टाइम दो, हम फिर नौ हार ले आएंगे तुम्हारे गाने। तो एक महीना में का तुम्हारी मौसी की बरसी है का? पैसा नहीं है ना, हार के लाने पैसा भी तो चाहिए। ऐसो है दरोगा अप्पू सिंह जी हाँ। अम्मा की अलमारी में तुमका घुइया बोए रही थे। मतलब? मतलब कि हमने देख लो है, अम्मा की अलमारी में संदूक में तुमने 1,00,000 रुपया धरे थे। आखिर निकालो पैसा निकालो। हमें 1,00,000 रुपया चाहिए, बस हम हार बनवाए। अगर तुमने रुपया ना दे तो हम जाइए बधाई, तुम इतने बैठे गोइया छीलो। अरे तुम हमारी बात तो, हमें कर ले तो, अरे तो हमारी, अरे तुम कहाँ चली? अरे यार ते मूड बन गो माओ। ये औरत हमें शुरू से पसंद ना है। वाह घट्टो वाह, आज तुमने पैसे के सामने सबको नीचा दिखा दिया। क्या बक रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ। सुखी का बात है तुम है? आमा मतलब का दुखी हो रहे हो? मतलब स्वर्ग से निकाल रहे हैं तुम्हें, नरक में धकेल रहे हैं का? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? बात ये है कि तुम्हारे प्यार और परवरिश की वजह से अप्पू जिस जगह पर है ना आज, जो पदवी पर, तुम उसे बिगाड़ रही हो। ऊपर से टिका क्या आया होगा? तुम्हें पता है मैं टिकाता नहीं हूँ। मैं जिंदगी भर ईमानदारी से जिया हूँ। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ईमानदारी की मिसाल थे, और आज आज वही खानदान का खून हमारा अप्पू हाँ निछावर खून बन गया इतना, इसकी जिम्मेदार तुम हो, ये गलत है। अरे अपुआ के पापा काहे ना समझ रहे, जी गलत ना है गो, जी आजकल के टेम की जरूरत है गई, और जी जिम्मेदारी हमने संभाली है इस परिवार की सुख शांति के लाने, बच्चन के भविष्य के लाने, जी बहुत जरूरी है गी। मेरी तो सब समझ में आ रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। ये न्योछावर के पैसे लेके जो तुम बैठी हो ना संदूक में, ये संदूक एक दिन इतनी भारी हो जाएगी इसको उठाकर तुम स्वर्ग लोक कैसे जाओगी? देखो भाई अभी हमारे स्वर्ग जाने में बहुत टाइम है, तुम टेंशन ना लो। अरे परेशान मैं नहीं हो रहा हूँ, परेशान दादाजी और पिताजी हो रहे हैं। है? इतने दुखी है कि ये घर का मुंह तक देखना नहीं चाहते वो। इतने साल से तो कछु ना बोले ना, आज कई चीची आ रहे हैं हमारे ससुर और ददिया ससुर। तुम्हें पता है आज मेरे पिताजी को स्वर्ग के बगीचे में जाने से मना कर दिया। उन्होंने
पिछली बार जाके बगीचे में फल चोरी करते आते, इसीलिए कहता हूँ टिकाऊ मत। अरे हप्पू ने जिस आदमी से आज नोछा भर ली ना, उसका बाप टेबल के ऊपर आया है। उसने मेरे पिताजी की ओर उंगली करके कहा, ये आदमी इसके पोते ने मेरे बेटे से पैसे लिए हैं, इसको गार्डन में मत आने दो। अरे सब लोग हाय 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 ईमानदारी से रहे, भले ही कम पैसे कमाए लेकिन ईमानदारी के पैसे कमाए। अरे नमक का दरोगा बने, नमक हराम का दरोगा नहीं, कर पाओगे ये? कोशिश करेंगे। एक बात बताओ, तुम लोगों का मतलब परसों एग्जाम है ना, तो कैसी चल रही तैयारी वगैरह? अरे एकदम झकास, हमें तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड ना मास साहब हमें ही देंगे। अच्छा, अरे तो खुद पे विश्वास ना हो रहा है, क्यों इतनी ज्यादा स्मार्ट हैं? हाँ दीदी, हमारे अंदर के ज्ञान की ज्योति जल गई है। वैसे तो काफी अजीब लग रहा, मतलब तुम तीनों के मुँह से ऐसी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कोई चिड़के नहीं कहा करता कि मेरी पूंछ में आग लगा दो मैं रॉकेट बन गई हूँ। दीदी आपको हम पे भरोसा नहीं है ना? ठीक है, आप हमसे कोई भी सवाल पूछो, हम उसका चुटकियों में जवाब दे देंगे, चुटकियों में। अच्छा, रणबीर लाइयो, दियो जरा इतिहास की बुक, दे इतिहास से शुरू करूंगी। चल बता रहे थे, दूसरा विश्व युद्ध कब तक चला था? जब तक खत्म नहीं हुआ था। बकवास है। अरे जब खत्म हो जाएगा तब कोई क्यों लड़ेगा, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करना, अब तेरा ही नंबर है। चल ये बता, काल कितने प्रकार के होते हैं? तीन। बता नाम बता। मिस्ड काल, डायल्ड काल और रिसीव्ड काल। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एक और काल है जो मैंने तेरा तवा दिखाई दे रहा, बुरा काल है। ये तो है ही नहीं मेरे फोन में। रहने दे चमची, बस रहने दे। चल रणबीर पूछो पूछो। अब तू ये बता, 1947 में भारत में क्या खत्म हुआ था? 1947 में 1946 खत्म हो गया। वाह, जब देखो 1946 खत्म हो गया तभी तो 1947 शुरू हो गया। अरे क्या दीवार है भाई। भाई ऐसा जवाब सुन के ना, मतलब तेरा यो वाला टीचर ना खिड़की से कूद के सुसाइड कर लेगा। समीजो, ये पढ़ाई करी तुम तीनों ने आ बैठ के हैं? ऐसे पास होगे तुम पेपर में? चुपचाप बता रही है बीबी, अगर थोड़ी बहुत अकल हो ना तो कल कल का दिन है तुम्हारे पास, ढंग से पढ़ लो वरना गधे की तरह ऐसे घूमते फिरोगे तीनों। ये पढ़ाई करी इन्होंने, पकड़ो। देख ब्रो, पढ़ाई तो हमसे होने से रही, अपने पास पुराना वाला तरीका है। अम्मा चलो बाहर चल के चाय पिए। अम्मा ऐसी बुत बने कहीं बैठी हो, चलो चाय पी ले। अम्मा 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 ओ अम्मा अम्मा, हाँ आओ कब आओ। अरे ये तो जिंदा है, तुम तो ऐसे मतलब एक्सप्रेशन दे, हमें लगो ऊपर निकल रही। तुम बात काहे ना कर रही, हम अम्मा अम्मा कर रहे, तुम जवाब ना दे रही, क्या होगो? ना ना कछु ना भाव। अच्छा ठीक, चलो फोन करियो तुम। अब वो आए देखो आई हो। ना स्पीड ना पूछो तक ना कि अम्मा तुम कैसी हो। हम तो खूब पूछ ले, 10 बार पूछ ले, लो बैठ तक गई, बताओ। अम्मा कछु बात है का? बात ही कुछ ऐसी आएगी, कल तेरे डोकन हमें इतना सुनाओ भाई, हमारी तो आत्मा झकझोर दी उन्होंने। अरे तेरे डोकर की आंखन में हमने आंसू देखे। अरे ना बाबा, ना हमसे ना सहागा। अम्मा कछु ऊंच नीच हो गई का? और का मैं कहा है
कि अफवाह तेरे डोकर ईमानदार, तेरे डोकर के डोकर ईमानदार और डोकर के डोकर के डोकर ईमानदार, हमारा पूरा खानदान ईमानदार। तेरे डोकर ने जई सुना ईमानदारी की खेती में बेईमान को दीमक चाट गो। जो दीमक कौन है? तू है गो दीमक। पता कब आऊ? कल तेरे डोकर के डोकर स्वर्ग के बगीचे में घूमने गए, उनको घुसने ही ना दाओ। किन्ने घुसने ना दाओ? वही आदमी ने जिसके बेटे से तूने निछावर लिया थी। बताओ बेईमान बेईमान कह के रोक दाओ। और तेरे डोकर बोल ले कि ये सब हमारी वजह से बहू है, हमने तो को निछावर खोर बना दो। बगीचो बगीचो अम्मा, ऊपर बगीचो भी है सचल। कैसे होगू? कौन कौन से फूल होंगे? काका होगू? हमें लग रहा हूँ कुंजा लक्षण भी होगू का। बताओ रज्जू बगीचो हमें सिंचाई कैसे करते होंगे, पानी कैसे देंगे? बादल से आते कैसे? हाँ हाँ उतने से आते हैं। बादल कैसे उल्टू फुब्बारू मारेगू? नहीं हमें लगा देखिए उत्ते को जो बादल हो ये वो अलग टाइप को है। काय? गुलाबी गुलाबी सी बाको पानी एकदम प्योर छानो बाओ है। एक सेकंड सफेद सफेद काय ना हुए बादल? बादल तो जैसो सेम है ना। मार गया तो कछुआ अलग। ए भगवान हमारा दिमाग खराब कर दो, इतने बोल बोल के हमारा गला सूख गया। तुम्हें बादल और पानी उसकी पड़ी है? क्या कहना चाह रही तुम बताओ? हम जे चाहते हैं का हम ना मतलब तेरे डोकर जे चाहते हैं, उनके डोकर के डोकर भी जे चाहते हैं कि तू ये निछावर फिछावर लेनो एकदम छोड़ दे और ईमानदारी के रास्ते पर निकल ले, ताकि तेरे डोकर को उनके डोकर को डोकर को और डोकर के डोकर को सर गर्व से ऊंचा है जाए। हाँ अम्मा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमारा भी जो मन है अंदर से बहुत कल्पत है। जब जब इन्हें देखा थे ना हमें लगा था कि ये क्या कर रहे हैं हमारे आदमी। हाँ दुनिया का कहा थे इन्हें निछावर खोर कपटी काइयां। अम्मा हम कुछ कह ना पाते लेकिन अंदर अंदर से घुटे जा रही हैं। बस बस तो असली बात जाए और हम ससर बगीचा सिंचाई पानी कैसे हैं बादल कैसे हाथ धो गई। हमारी न्योछावर से इतनी दिक्कत है तो लो ठीक है भैया, अब वैसो ही करेंगे जैसो सब चाह रही। अब तो हप्पू सिंह ऐसो बन के दिखाएगो जी में हमारे डोकर को, डोकर की डोकर दादा परदादा नाते रिश्तेदार सब जितने भी अपने हैं सबको अम्मा हमारे ऊपर गर्व होगो, फक्र होगो, खुश। जय शिव शंकर जय भोलेनाथ। सच्चाई और ईमानदारी के कुंड में अर्पण करने के बाद भ्रष्टाचारी के कुंड में से जलता हुआ कोयला अपने हाथ में लीजिए। पंडित जी जी का करवा रहे, जलतो वो कोयला हाथ में कैसे लेंगे, कैसे लेंगे हम? जीजू हाथ जलने से मत डरिए, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली है ऊपर वाले को प्रमाण तो देना पड़ेगा ना, वरना प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी? दीजिए आगे हाथ। अरे ले लेना हपुआ, कछु पाने के लिए कछु खोनो पड़तो है। अम्मा तुम समझ ना रही, हाथ में अगर हम कोयला लेंगे तो हमें धोने के लाली हमारा मतलब है हमारे हाथ खोने पड़ जाएंगे, खोने पड़ जाएंगे। हमें पता था यजमान कि आपके गुर्दे पिलपिला जाएंगे, इसलिए हमने पहले से इसका निवारण ढूंढ लिया है, ये लीजिए। मतलब आप क्या चाहते हैं कि ये जो है चोमूलाल के हाथ में बांध दिए? हाँ ये यजमान के हाथों में बांध दीजिए एकदम अच्छे से, और फिर जलता हुआ कोयला इनके हाथ में रख दीजिए। पंडित जी तेरा मोटो कपड़ा, मोटो मोटो कपड़ा दियो। दोरू कर ली मोटा ही कपड़ा है यजमान, इससे भ्रष्टाचार आपके शरीर में से विलुप्त हो जाएगा। बहन जी ये जलता हुआ कोयला इनके हाथ में रख दीजिए। ठंडू वालू उठाइयो कोने से, ठंडू वालू। पापा जब तक प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो जाती तब तक है ना पंडित जी? जब बिटिया हमें शुरू से पसंद नहीं है
अरे पंडित जी आप देखिए हाथ दर्द हो रहा है, जल रहा है, धुआं निकल रहा है, आप एक काम करो फटाफट ये सब निपटाओ। जय शिव शंकर। देखिए यजमान, अगर आप ऐसा करेंगे तो इनकी प्रतिज्ञा में बाधा पड़ जाएगी। मुझे पंडित भैया मैं शुरू से पसंद नहीं है। हाँ तो यजमान आप इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। अब आप जो भी कहेंगे वो ये कोयला अपने धुएं से इस वातावरण में फैला देगा, फिर इस धुएं को आप अपने अंदर लीजिए और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। कर दिखाओ पापा, हम आपके साथ हैं। हाँ पापा, दूरे के साथ हैं। Yes, very right. Meaning, if you're not eating कोयला, then smoking कोयला ना? अरे वो ये कह रही है अगर कोयला खा नहीं सकते तो जला तो सकते हैं और सूंघ तो सकते हैं ना, तो सूंघिए। यजमान आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। बड़े कष्ट के साथ हम यानी कि दरोगा हप्पू सिंह, वल्द खोदी सिंह, वल्द ईमान सिंह, वल्द सच्चे सिंह, हमारे परदादा जलतो भाव कोयला लेके शपथ ले रहे, आज से ईमानदारी हमो मतलब है कि घूसखोरी बंद, न्योछावर खानो बंद, भ्रष्टाचारी बंद, काला बाजारी बंद, सब कुछ बंद कर रहे और आज से शपथ ले रहे, आज से हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, चाहे हमारे रास्ते में कितने भी कांटे कितनी भी मुसीबतें, लेकिन हमारे कदम नहीं डगमगाएंगे, आज से हम ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे, आज से हम शपथ ले रहे, चाहे हमारे सारे खून को कतरा कतरा बह जाए, परिवार पे चाहे जितनी मुसीबत आए, लेकिन हप्पू सिंह के कदम अब डगमगाएंगे नहीं, हमेशा कानून के नियमों को पालन करेंगे, और जो हम शपथ ले रहे हमारे खानदान की जो परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन है, वो ये तीन ठैया जो खंबा हैंगे, इनके नियमों को पालन करेंगे, चाहे जितने कष्ट मिले हमें, हमारे कदम नहीं डगमगाएंगे दादा, ईमानदारी और सच्चाई अटल है, बाकी सब कटल है। जय भोलेनाथ। पंडित जी अब जाकू ककन ने आपका हाथ लाइए। हाँ। यजमान अब आप में से भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से निकल गया है, अब आप एक अच्छे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति बन गए हैं। दीजिए इसके गली गली में शोर है, गली में शोर है, शपथ ले ले नारों तो बदलो, गली गली में शोर है, हप्पू सिंह ईमान खोर है, गली गली में शोर है, हप्पू सिंह ईमान खोर है, गुजरात में शहर सूरत है, हप्पू सिंह सच्चाई की मूरत है।